अभी थोड़ी देर में हम लोग राइड में निकलने वाले हैं, तो इससे पहले मैं यहाँ पे आ गया। तो आई होप गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या है, आसनसोल का चर्च। बहुत दिन के बाद मैं यहाँ पे आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे आके। देखो जगह कितना खाली खाली सा है, कोई है भी नहीं यहाँ पे, और वहाँ पे पार्किंग पे बहुत कोई है। और यहाँ पे छोटा सा एक पप्पी है, ओह गुलू गुलू गुलू। चलो इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा अभी, मैं गुस्सा हो जाएगा तो मेरे को काट लेगा। मेरा अभी किस्मत भी बहुत ख़राब है, तो थोड़ी देर में मेरा दोस्त यहाँ पे आ जाएगा और उसके साथ मैं निकलूँगा राइड पे। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर उधर टहल लेता हूँ जब तक वो नहीं आता है, उसके बाद बनाएंगे वीडियो। कहाँ पे जा रहे हैं ये तो आप लोग को पता ही है, आगे देखते रहिए वीडियो। नहीं तो अभी मैं हूँ हरिपुर साइड में, और अगर आप लोग को ये वाला जगह के बारे में नहीं पता तो मैं बताना चाहूँगा कि यह है एशिया का लार्जेस्ट कोल एरिया, कोल माइनिंग एरिया। इसका नाम है सोनपुर बजारिया, ये देख सकते हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा खदान है। खैर हम लोग तो अंदर जा नहीं पाएंगे, यहाँ से क्रॉस हो रहे थे इसीलिए सोचा कि ये वाला थोड़ा सा अपने क्लिप में ले लूँ। तो आगे चलते, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं अभी कहाँ पे हूँ। बड़ा खूबसूरत जगह है यार ये वाला, मेरे को ये जगह देख के वो वाला या गाना याद आ गया, तुझे देखा तो ये जाना सनम। मैं सोचा कि यहाँ पे आके एक दो वीडियो बना लूँ, एक दो शॉर्ट्स ले लूँ, और दो तीन फोटो भी क्लिक करने वाला हूँ अभी। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वाला जगह बताओ। ये कोई घूमने वाली जगह नहीं है, ये यहाँ पे सब घेरा हुआ है, ठीक है। मैं बस यहाँ पे कूद के आ गया क्योंकि मेरे को एरिया अच्छा लगा, और कोई यहाँ पे बोलने वाला है भी नहीं। खैर मैं ये सब तोड़ फोड़ नहीं करने वाला, वो मैं बस नॉर्मली वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे आ गया। अच्छा लग रहा है जगह, है ना ये वाला जगह पे, ठीक है। मैं जो आया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला जगह। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आके अगर आप कोई वीडियो वीडियो शूट करना चाहते हैं, ठीक है, रोमांटिक वीडियो, तो बिल्कुल शूट कर सकते हैं। और हाँ, ख़ास करके अगर आप रील्स बनाना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, तो भाई बहुत ही अच्छा रील बनेगा, ठीक है। मैं तो अभी बना नहीं पाया क्योंकि मैं अभी वैसा हालात में नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे रील नहीं बनाऊँगा, अभी मैं जाऊँगा अपना लोकेशन पे जहाँ पे मेरे को एक्चुअली जाने का है। ओके सो वहाँ के लिए निकलते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लेट नहीं करूँगा मैं। और देखो कितना अच्छा लग रहा, पूरा हरा भरा। मैं आगे चल गया था, मैं उसको बोला कि भाई तू रुक, मैं यहाँ से फोटो खींचूँगा वीडियो बनाऊंगा फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ये देखो एग्जैक्ट लोकेशन, ये वाला है लोकेशन यहाँ पे। ये देखो अभी हम लोग अपना लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये वाली है मंदिर, लग तो रही है बहुत खूबसूरत यार ये वाली जगह। मैं यहाँ पे लास्ट आया था, भाई बोल रहे कि पहले आइसक्रीम खाएंगे उसके बाद जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ये अजब बीमारी है बाबा। तो मैं यहाँ पे लास्ट आया था 2011 को मैं यहाँ पे लास्ट आया था, और अभी यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, बताओ 2023 को, मतलब जब मैं क्लास का कौन सी क्लास में पढ़ता था मेरे को वो भी नहीं मालूम है। तो इसीलिए अभी नॉस्टैल्जिया आप बोल सकते हैं। एंड अभी हम लोग खाएंगे आइसक्रीम, ये वाली आइसक्रीम का शॉप। जब मैं व्लॉग करता हूँ तब किसी ना किसी को फ़ोन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी एक फ़ोन आया है, आइसक्रीम खा रहा हूँ, आप लोग तो नहीं खा सकते मेरे से लेके आइसक्रीम, तो आप लोग कमेंट करो। ये कौन सी वाली आइसक्रीम, सही है, ये बड़ा यूनिक है।
ये देखो M+R सही है, निशानी छोड़ के गए हैं सब यहाँ पे, ऊपर जा रहे हैं अभी। ये वाला पहाड़ वैसा उतना चढ़ाव नहीं है लेकिन जगह खूबसूरत है। मेरे को लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा व्यूज़ होगा लेकिन उतना ज़्यादा व्यूज़ यहाँ पे है नहीं, यहीं ऐसा ही व्यू है। लेकिन बहुत दिन बाद यहाँ पे आया ना इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, क्लास 8-9 की बात है, अच्छा लग रहा है घूम के यहाँ पे। देखो एरिया पिकनिक स्पॉट तो नहीं है लेकिन फैमिली लोग के साथ यहाँ पे घूमने आ सकते हैं हम लोग। एक छोटा सा पार्क है वहाँ पे, 10 रुपये एंट्री प्राइस, झूला उला है तो वहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने वहाँ पे रेस्ट नहीं किया, हमने वहाँ पे आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम मेरा फेवरेट है। मंदिर ये सब यहाँ पे धूप में सूखने के लिए दिया हुआ है। ये देखो वो डीएस करना है तो भला होगा की जी घर से किया है, नीचे सीढ़ी है। कि यहाँ पे मतलब पहाड़ चढ़ने वाली कोई जगह है लेकिन थोड़ा रास्ता है ठीक है जो कि मतलब चलने लायक है। हम लोग यहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं चलते हुए, और वेदर ठीक ठाक ही है तो वेदर के हिसाब से अगर यहाँ पे हम लोग अभी जो आए हैं उतना ज़्यादा हैरेसमेंट हो नहीं रहे लेकिन बहुत ही अच्छा वेदर है। ताकि जैसे कि लास्ट टाइम जो वाला ट्रिप पे हम लोग गए थे वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब हो रहा था सफोकेशन, वो सफोकेशन हो नहीं रहा है ठीक है। सो उस हिसाब से ये वाली जगह ठीक ठाक है। और रास्ता किधर पे एग्जैक्टली जाना पड़ेगा वो तो मालूम नहीं है लेकिन ठीक ही है, चलते हैं। हाँ सो ये वाली लोकेशन हम लोगों ने पूरा कवर अप कर लिया। अभी क्या है ना कि अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से क्योंकि लोकेशन तो पूरा घूम लिया, जहाँ तक मेरे को नज़र में आया कि यहाँ पे कोई भी पानी वानी का सीन नहीं है ठीक है। चारों तरफ छोटा छोटा पहाड़ है जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं, और मंदिर है यहाँ पे जो मंदिर खूबसूरत है, भोले बाबा जी का मंदिर है। और पिकनिक स्पॉट के लिए उतना खास नहीं है जैसे कि पहले भी मैंने बताया ठीक है, घूमने आ सकते हो ठीक है, राइड वाइड के लिए आ सकते हो। और छोटा सा एक पार्क है बस यहीं, अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं जाके लंच करेंगे। आज का दिन बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया मेरा घूमना, जैसे कि पिछली बार बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, इस बार सोचा था कि वक्त लगेगा लेकिन हाँ उतना ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अभी जाएंगे कुछ खाना वाना खाएंगे वहाँ पे जाके, कहाँ पे अभी खाना खाएंगे वो वाला होटल ही हम लोग को अभी ढूंढने का है ठीक है। यहाँ पे है एक नंबर दिया हुआ है एक होटल का, रेस्टोरेंट टाइप का है, तो वहाँ पे जाके अभी देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। चाइनीज़ आइटम अभी खाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम चावल खाया था तो चावल खा के नींद आ गई, बाइक चलाने का मन ही नहीं कर रहा था। आगे चलते हैं, खिलौने ये मैं भी जा रहा हूँ बाहर। फास्ट फूड वाली शॉप, फुचका चाट क्या क्या नहीं मिल रहा है यहाँ पे, बाप रे बाप।
देख के तो बहुत खाने का मन कर रहा है गाइस, लेकिन मैं खा नहीं पाऊंगा। इधर पे सीधा जा रहा है दुबराजपुर और उधर पे सीधा जा रहा है पांडवेश्वर वाली रोड, और हम लोग जहाँ पे खाना खाएंगे वो है वो सनी फूड पॉइंट। तो चलो चलते हैं वहीं पे। क्या क्या मेनू है यहाँ पे देख लो। चाइनीज एर मध्य की आइटम अच्छे देखे निच्छी। ये आ गया है मेरा खाना। जितना देर इसको बनाने में लगा है ना, उतना देर तक उसने खाना खा के कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, अभी मैं ये वाला खाना अभी खाऊंगा। देख के तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। वो खड़ी अपना बाइक, चलो पहले खाना खा लेते। एवेंजर इंफिनिटी वॉर स्टार्ट हो चुकी है। उधर से गाड़ी इधर, इधर से गाड़ी उधर, देखो इतना गाड़ी चलाने के बाद हाथ का हालत देख रहे हो, देखो क्या हो गया। बाप रे बाप, अभी इतना दूर तक मैं गाड़ी चलाया, अभी भाई गाड़ी चलाएगा। तो अभी मैं हूँ रानीगंज में, अभी रानीगंज के बाद आसनसोल, लेकिन उससे पहले चाय पीऊँगा एक जगह खड़ा होकर। इस मुँह का हाल भी बिगड़ चुका है, ठीक है, बहुत दिन से दाढ़ी नहीं काटा, और इतना दूर में इतना दूर गाड़ी चला के आया ना, तो थक चुका हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उधर मेरे को देख के हंस रहा है, बहुत थक चुका हूँ, आगे चलते हैं। आवाज दूर चाय दी दो, पीछे पीछे चाय दे दी हुई है। बोस बोना बोस बोना दाढ़ी दाढ़ी हो, अच्छा पीछे नहीं हो, वो तो आगे नहीं। बाप रे बाप, इधर पे मिलेगा मेरे को चाय, दो चिकन चानी ने, मिट्टी वाली भाड़ में चाय। अभी चाय हम लोगों ने पी लिया, ऑल राइट कंप्लीट। अभी जाएंगे डायरेक्ट आसनसोल, सो वहाँ पे जाके आइसक्रीम खाना खाने का है, तो बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का। सो आज का राइड बस यहीं तक। देखो कौन वाला आइसक्रीम खाए यहाँ से, चोकोबार। हाँ वही वाला गलत है, वो वाला चोकोबार वाला दे दीजिए, एक ही दे दीजिए, आइसक्रीम ही तो नहीं। हाँ बंद कर दीजिए। मैंने सोचा था कि आइसक्रीम बहुत बड़ा होगा, लेकिन आइसक्रीम का साइज तो देखो, इसका दाम है 35 रुपये, मतलब कुछ भी यार, इसी को खाते हैं, टेस्ट अच्छा है।